हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, दोनों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली तीन डेवलपमेंट सामने आई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको मैं बता दूं, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कल सुनवाई में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है देन आपका जो रोस्टर है वो क्लियर हो जाएगा और रिजर्वेशन पे भी फैसला आ जाएगा कि चलो 65% रिजर्वेशन दिया जा सकता है या पहले जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसी पर काम चलेगा। तो इन चीज़ों को लेकर जो भी खबर आएगी वो मैं कल आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं रिजल्ट को लेकर मेरे पास एक खबर है और आंसर की को भी लेकर जो है मेरे पास खबर है। यहां से आप जो है मैं आपको खबर दिखा देता हूं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं जो टीआरई 3.0 का एग्जाम अच्छे से उनका नहीं गया है और आप जो है पिछले तीन बार से जो है टीआरई 1, 2, 3 का एग्जाम दे रहे हो और आपको लगता है कि आपसे एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही है बट आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और हेल्प के लिए देखिए हमें आपके साथ यहाँ से आप देख पाओगे टीचिंग परीक्षा की ऐप को। अब देखिए टीचिंग परीक्षा की ऐप में जाकर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए दानिश सर के नेतृत्व में इनकी बहुत ही शानदार टीम है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो यूट्यूब पे जाकर इनकी क्लासेस को आप देख सकते हो, उसके बाद आप कोर्स परचेज करना, ये हुआ पहली बात। दूसरी बात, कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी और चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा, एमसीक्यू टेस्ट भी मिलेगा और जो 50 मॉक टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। बिहार का एचडी मैप के थ्रू जो है आप स्टडी कर सकते हो। दूसरी बात, 5,000 के वर्थ का जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ई बुक है, सब कुछ यहाँ पे। और जो टीआरई 4 का रिविजन बैच होगा उसमें भी आप इनरोल हो जाओगे। ये तो हो गई बातें। अब देखिए सिंस आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हो, इस एक्चुअली मैं इसे फैमिली ही मानता हूँ, इस चैनल को फैमिली मानता हूँ और आप इस फैमिली मेंबर के पार्ट हो, तो देखिए 51% आपको डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्स पे। टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स में आप जो है 51% डिस्काउंट ले सकते हो। मिथुन 51 अगर आप लिखते हो तो आपको सभी कोर्स पे 51% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो इन पे कॉल कर सकते हो इन नंबरों पे। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैंने अटैच कर रखा है, तो तैयारी कीजिए। हैप्पी लर्निंग आप सभी को। चलिए अब अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली अपडेट यहां से आप देख पाओगे, देखिए यहां पे आपको डेट मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक का 17/9 यानी कि आज ही विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ये बातें बताई गई है। यहां से आप देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जो आवश्यक सूचना है वो बताया गया है कि देखिए विज्ञापन संख्या 22/2024 के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे उसके बारे में बात बताई गई है। क्या बातें हैं यहाँ से आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उन सभी लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि आप जो है डैशबोर्ड में जाकर के लॉगिन कर लीजिए और ओएमआर शीट जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, साथ में रिस्पॉन्स शीट भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडेड ओएमआर शीट में या रिस्पॉन्स शीट में कोई भी त्रुटि हो, किसी भी तरह का एरर हो, तो यहाँ से ईमेल आईडी देख लीजिए आप, examcontroller/bpsc@gov.in है, इस पर आप जाकर के मैसेज कर सकते हो। कोई भी शंका हो समाधान आपको यहां से मिल जाएगा। याद रखिएगा किसी और मीडियम से किसी और माध्यम से अगर आप आपत्ति करते हो तो आपके आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ में 24/9/2024 तक जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज ये ओएमआर सीट वेबसाइट से गायब हो जाएगा। पहली खबर। दूसरी बड़ी खबर यहाँ से आप देख पाओगे, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए 6 to 8 का जो फाइनल आंसर की है वो भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है आंसर की आपको जो है 20 सितंबर तक देखने को मिल जाएगा, ये पहली खबर। दूसरी खबर, इसके बाद माध्यमिक यानी कि 9-10 का जो है आपको आंसर की देखने को मिलेगा, फिर 11-12 का आंसर की आपको देखने को मिलेगा। फाइनल आंसर की बात की जो है आंसर की बात हो रही है यहाँ पे। आयोग को अब तक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र जो है प्राप्त नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मामले में फिर से सुनवाई होगी, कल ही इसकी सुनवाई है, इसके बाद जो है विभाग फैसला लेगा। शिक्षा विभाग में रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी जो है कंप्लीट कर ली गई है, सभी जिलावार जो है रिक्तियां को मंगा लिया गया है और 19 सितंबर को विभाग से जीएडी को जो है पत्र भी भेजा जाएगा। उसके बाद माह के अंत तक में हेडमास्टर और हेड टीचर, फिर इसी माह के अंत में टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने के जो है प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। तो यानी कि अब आपका रिजल्ट सितंबर में भी नहीं निकल पाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। अब आपका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में मिलेगा दुर्गा पूजा के ठीक बाद। तो कोशिश करता हूँ कि आप सभी का जो है सिलेक्शन हो जाए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऐप में इनरोल कराइए और पढ़िए। और ऐप में इनरोल कराने से पहले, कोर्स परचेस करने से पहले, एक बार यूट्यूब पे इनकी क्लासेस जाकर जरूर देख लें। लिंक आपको, सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक, जो मुझसे आप जुड़ना चाहते हो, अपडेट वगैरह जो है आपको मिलते रहे, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर लें मिथुन सिंह के चैनल को। 13.1 जो है हमारे साथ जो है मेंबर जुड़ चुके हैं, 13,100 अभी जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप का भी लिंक आपको जो है, चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हैप्पी लर्निंग आप सभी को। थैंक यू सो मच।